दोस्तों, अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोविनो थॉमस, कल्पना, निदुमुड़ी, रमेश, शोभिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, इस मूवी को IMDB पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों, वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर। तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोविनो थॉमस, कल्पना, नेदुमुड़ी, रमेश, शोभिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDB पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोबिनो थॉमस, कल्पना, नेदुमुड़ी, रमेश, शोबिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो, और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर, और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोबिनो थॉमस, कल्पना, नेदुमुड़ी, रमेश, शोबिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अब यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोबिनो थॉमस, कल्पना, निदुमुड़ी, रमेश, शोभिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोविनो थॉमस, कल्पना, नेदुमुड़ी, रमेश, शोभिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच अवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोविनो थॉमस, कल्पना, नेदुमुड़ी, रमेश, शोभिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDB पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोविनो थॉमस, कल्पना, नेदुमुड़ी, रमेश, शोबिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोविनो थॉमस, कल्पना, निदुमुड़ी, रमेश, शोबिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियली डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोविनो थॉमस, कल्पना, निदुमुड़ी, रमेश, शोभिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर, और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो, और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर, और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोविनो थॉमस, कल्पना, नेदुमुड़ी, रमेश, शोभिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDB पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोबिनो थॉमस, कल्पना, नेदुमुड़ी, रमेश, शोबिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो, और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर, और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोविनो थॉमस, कल्पना, नेदुमुड़ी, रमेश, शोबिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अब यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोबिनो थॉमस, कल्पना, नेदुमुड़ी, रमेश, शोभिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर, और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो, और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर, और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोबिनो थॉमस, कल्पना, नेदुमुड़ी, रमेश, शोभिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोविनो थॉमस, कल्पना, नेदुमुड़ी, रमेश, शोभिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDB पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोबिनो थॉमस, कल्पना, नेदुमुड़ी, रमेश, शोबिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोबिनो थॉमस, कल्पना, नेदुमुड़ी, रमेश, शोबिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो, और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अब यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर, और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोविनो थॉमस, कल्पना, नेदुमुड़ी, रमेश, शोभिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज़ हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोविनो थॉमस, कल्पना, नेदुमुड़ी, रमेश, शोभिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोविनो थॉमस, कल्पना, नेदुमुड़ी, रमेश, शोभिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोविनो थॉमस, कल्पना, नेदुमुड़ी, रमेश, शोभिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अब यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोविनो थॉमस, कल्पना, निदुमुड़ी, रमेश, शोभिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर, और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो, और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर, और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोविनो थॉमस, कल्पना, नेदुमुड़ी, रमेश, शोभिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच अवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोविनो थॉमस, कल्पना, नेदुमुड़ी, रमेश, शोभिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDB पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोविनो थॉमस, कल्पना, नेदुमुड़ी, रमेश, शोबिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हां दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो, और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर, और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोबिनो थॉमस, कल्पना, नेदुमुड़ी, रमेश, शोबिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियली डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोबिनो थॉमस, कल्पना, निदुमुड़ी, रमेश, शोबिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हां दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोविनो थॉमस, कल्पना, नेदुमुड़ी, रमेश, शोभिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDB पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
दोस्तों अगर आप साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान सर की मच चवेटेड मूवी चार्ली को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्ली मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो 24 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई मलयालम भाषा की रोमांटिक म्यूजिकल मूवी चार्ली। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान, पार्वती, अपर्णा गोपीनाथ, टोबिनो थॉमस, कल्पना, नेदुमुड़ी, रमेश, शोबिन साहिर, नासिर, जयराज, राजेश शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट करार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जियो सिनेमा पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और साथ ही साथ यह मूवी आपको अमेजोन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार देख सकते हो ओरिजिनल लैंग्वेज में। बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन के बारे में, दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल हो चुकी है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न के चैनल कलर्स सिनेप्लेक्स पर। और कलर्स सिनेप्लेक्स के अलावा आप इस मूवी को देख पाओगे यूट्यूब पर किसी अनऑफिशियली चैनल पर। दोस्तों वैसे तो यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ अवेलेबल है काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी देख सकते हो, और अगर आपको यह मूवी ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन में देखनी है तो आप इस मूवी का कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मूवी को रिलीज हुए काफ़ी समय हो चुका है और अभी यह मूवी हिंदी भाषा में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और दोस्तों लोगों को यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फैन फॉलोइंग इंडिया में सभी इंडस्ट्रीज की तरफ से है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो या फिर साउथ इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो जियो सिनेमा पर, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर और अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी गजब की है और इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर, और अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा आप इस मूवी को देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही इस मूवी की ओरिजिनल हिंदी डबिंग की रिलीज डेट सामने निकल कर आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।